फूडीज, गुड इवनिंग, शोना हियर फ्रॉम शोनाज किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोभी मंचूरियन। गोभी मंचूरियन के लिए मैंने लिया है फुल गोभी, उसको अच्छे से धो के निताड़ने के लिए रख दिया है। उसमें ऐड करेंगे शक्कर। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ, शक्कर, कॉर्नफ्लोर, नमक, और मैं यहाँ पे पनीर चिली मसाला यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी मसाला हो, गोभी मंचूरियन मसाला, पनीर मसाला, चिकन मसाला, कोई भी मसाला हो वो आप यूज़ करेंगे। जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली क्रश की हुई, स्लाइस्ड कैप्सिकम, स्लाइस्ड अनियन एक एक मैंने ली है, टोमेटो सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, एंड फ्रेंड्स ये है आधा कप दूध। अब दूध हमें जो कुकर मैंने रखा हुआ है इसमें नमक डाला है, पानी डाला है। अब इसमें मैंने गोभी उबालने डालनी है, तो गोभी अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, काली हो जाती है, सो इसमें मैं आधा कप दूध डालूँगी एंड एक विसल तक गोभी को बॉईल करना है, यानी बिल्कुल लाइट से पूरा बॉईल नहीं करना है, जस्ट नरम हो जाए एक विसल, या तो हम स्टीम में ही रखेंगे तो भी बेटर है। सो इसमें पानी है, नमक है एंड आधा कप दूध मैं आपको बता रही हूँ। ये गोभी की वाइटनेस के लिए मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप गोभी का सालन बना रहे हो तो भी ऐसे ही बॉईल करिए, तो गोभी अच्छी वाइट रहती है। इसे इसमें गोभी के पीसेस हम ऐड करेंगे। इसका ढक्कन बंद कर दिया है मैंने और गैस पे रख दिया है। अब ग्रेवी बनाएंगे। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालती हूँ मैं। फ्रेंड्स, अब एक कढ़ाई ली है, उसमें एक चम्मच जितना तेल और कड़ी पत्ता मैंने ऐड किया है। नेक्स्ट इसमें मैंने ऐड किया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। गैस को स्लो कर देते हैं हम। यहाँ पे मैंने गोभी निकाल ली है पानी से, आप देख सकते हैं वाइटनेस उसकी, और ऐसे मैंने जस्ट 10% उसको गलाया है। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। मैंने इंग्रेडिएंट्स में आपको दही नहीं बताई थी, ये इसमें मैं ऐड करूँगी, ये भी मेरी होममेड है। दो से तीन चम्मच इतना दही लूँगी मैं। इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, एंड जो ये आपको पनीर चिली मसाला बताया था मैंने वो ऐड करूँगी इसमें मैं। नेक्स्ट इसमें ऐड करूँगी मैं रेड फूड कलर। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये मसाला नहीं अवेलेबल है तो आप जो नॉर्मल मसाले रहते हैं, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड गरम मसाला, वो भी ऐड कर सकते हो। तंदूरी मसाला है, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो इसमें। ये सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और जो हमने कॉलीफ्लावर करी है वो इसमें मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। इसमें मैं नेक्स्ट ऐड कर रही हूँ स्लाइस्ड अनियन। इसमें मसाला मिला दिया है। अब इसमें मैं नेक्स्ट ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर एंड मैदा। इसको अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे और फिर आगे हमारी ग्रेवी बनाएंगे। ये मिक्सचर रेडी है, 15 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट करने देंगे, फिर डीप फ्राई करेंगे। और आइए जाते ही ग्रेवी की और प्याज अच्छी हो गई है गुलाबी। इसमें मैं ऐड करूँगी कैप्सिकम। यहाँ पे एक पैन भी गर्म रख दिया है गोभी फ्राई करने के लिए, डीप फ्राई करना है उसको, तो ये गर्म होगा तब तक हम ग्रेवी बनाएंगे। नेक्स्ट हमने ऐड किया है कैप्सिकम। अब मैं ऐड करूँगी सॉल्ट एंड सोया सॉस। मैं ऐड करेंगे रेड चिली सॉस। नेक्स्ट मैंने ऐड किया है टमाटो सॉस। टमाटो सॉस थोड़ा ज़्यादा डाला है। अब मैं जो ये मसाला है वो ऐड करूँगी इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक या दो चम्मच शक्कर। इसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे हम। फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें गोभी के पीसेस डालूँगी फ्राई करने के लिए। उसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, नॉट सो फुल एंड नॉट सो स्लो। क्रिस्पी होने देंगे तब तक फ्राई करेंगे, फिर प्लेट में निकालेंगे। और यहाँ पे हमारी ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है, ये गैस को हम ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, अभी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, क्रिस्पी दिख रही है, सामने से प्लेट में निकालेंगे।
फ्रेंड्स मैंने इसको पेपर में निकाल दिया है। अब एक बाउल में मैंने 2 चम्मच इतना कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें पानी मिक्स करूँगी और ये ग्रेवी में डालूँगी। फ्रेंड्स अब इसमें फ्राइड गोभी मिला के 2 मिनट पकाएंगे। ये अच्छे से कुक हो गई है, अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। फ्रेंड्स इसे मैंने सर्विंग प्लेट में ले लिया है और कोरिएंडर लीव्स एंड इस पर मैंने टोमेटो केचप डाला है और ये खाने के लिए रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।